करते हैं, तो जब वो तपस्या करते हैं तो एक जोड़ी चूहे का चूहे रहते हैं, जिसमें से एक का नाम रहता है लालच और दूसरे का नाम रहता है संतोषी। तो ये दोनों जो है बार बार उनकी गोद में जाके बैठ जाते हैं, कभी उनकी नाक पे चढ़ जाते हैं, कभी उनके बाल पे चढ़ जाते हैं, तो उनकी तपस्या में विघ्न पड़ता था। तो उन्होंने एक दिन सोचा कि चूहों से जरा पूछे तो कि क्यों भाई मुझे क्यों परेशान करते हो। तो उन्होंने पूछा, चूहे ने बताया कि गुरुजी आप जब तपस्या करते हैं तो एक बिल्ली आती है और वो हमें बहुत परेशान करती है, जिसके कारण हम सब जो है आपके पास आके छुप जाते हैं और अपनी जान बचाते हैं। तो इस पर गुरुजी ने पूछा कि अच्छा ठीक है, तुम बताओ इससे बचाने के लिए मैं तुमको क्या करूं। तो चूहा बोला जैसे लालच था कि आप मुझे कुत्ता बना दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक। दूसरे चूहिया से पूछा उन्होंने संतोषी से, तुम बताओ। तो बोला कि नहीं, मुझे चूहा मुझे कुत्ता नहीं बनना, आप अपना कोई कपड़ा रख दीजिए, मैं उसी में आके छुप जाया करूँगा और अपनी जान बचा दूंगी। उन्होंने कहा ठीक। तो लालच के कहे अनुसार उन्होंने लालच को कुत्ता बना दिया। अब जब वो कुत्ता बन गया और जब कुत्ता जंगल की ओर गया और जब बिल्ली से उसकी भेंट हुई, तो बिल्ली उसे देख के जोर से भाग गई। और जब बिल्ली उसे देख के जब जोर से भाग गई तो कुत्ता बहुत खुश, उसे लगा अब तो मेरा सबसे मजबूत हो गया यार, अब क्या करना। अब जो है वो चला गया दीप एकदम गहरे जंगल में चला गया। जब जंगल में गया तो वहां कुत्तों का झुंड उसे मिला। अब बाकी कुत्तों ने उसे स्वीकार नहीं किया, नहीं होता है तो दूसरे कुत्ते को देखिए तो बाकी कुत्ते काटने को दौड़ेंगे। किसी तरह ये बेचारा जान बचाता हुआ वापस आया ऋषि के पास। उसे ऋषि ने फिर से पूछा, अब क्या हो गया, अब क्यों आए, तो कुत्ता बन गए थे। कह रहा नहीं नहीं कुत्ता बनने में बहुत दिक्कत है, हम कुत्ता बन गए थे बाकी कुत्ते हमको काट रहे तो हम कुत्ता नहीं बने। अब आप ऐसा करिए कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपके पास आके ना छुपे तो आप जो है हमको शेर बना। ऋषि ने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा मानते हैं। ऋषिवर ने मंत्र मारा और वो कुत्ते से शेर बन गया। अब वो शेर बना और जोर से दहाड़ दिया। जब वो जोर से दहाड़ दिया तो जंगल के जितने जीव थे सब अपनी अपनी जगह पे अपने अपनी जगह पे सब छुप गए। अब उसके बाद ये दौड़ता हुआ चला गया जंगल में। अब इसकी दहाड़ इतनी जोर की थी कि पास में शिकारी भी थे, वो शिकारी भी सुन गए इसकी दहाड़। अब उन्होंने गोलियां चलानी शुरू की इसके ऊपर। ये बेचारा जाके किसी तरह पेड़ वेड़ के पीछे छुप छप के वापस आ गया ऋषि के पास। अब ऋषि ने पूछा भाई अब तो तुम शेर बन गए, अब इससे मजबूत क्या बनोगे। कहा नहीं नहीं शेर बनने में और ज्यादा प्रॉब्लम है, शेर बनने में ना ये जो है हमको शिकारी मार रहा है। तो उन्होंने पूछा अच्छा आप क्या करें। तो कहा उसने ऐसा करिए जमीन पर छोड़िए, इस बार आप ना मुझे कोई पक्षी बना दीजिए, जमीन पर रहो मैं कोई ना कोई परेशानी करेगा, इस बार उड़ूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने ऐसे एक खूब सुंदर सा कबूतर बना दिया। अब वो कबूतर बन के चलने पूरा विचरण करने लगा और चलते चलते वो पहुंचा क्या गांव में। और गांव में क्या था कि दाने वाले गिरे थे छत पे किसी के और वो दाने खाने लगा। और तब तक वो दाने खा ही रहा था कि अचानक से मतलब एक जाल सा उठा और उसी जाल में वो फंस गया। अब जब जाल में फंस गया, जो बेचारा ये सपना लिया था कि मैं उड़ूंगा और वो कबूतर उल्टा लटक गया एक जाल में, तो अब उसके मन में आया कि अगर मैं आज चूहा होता तो फिर मैं इस जाल को काट के निकल जाता। तो इसने जो है संयोग से उसी समय चुहिया भी जा रही थी पास से, चुहिया ने देखा, चुहिया ने उस जाल को काटा और काट के फिर ये उड़ता हुआ वापस आया ऋषिवर के पास। जब ऋषिवर के पास ये उड़ता हुआ वापस आया तब इसने ऋषिवर को अपनी पूरी कथा बताई कि ऋषिवर ऐसा हुआ मेरे साथ। ऋषिवर ने पूछा अच्छा ठीक है अब बताओ तुम क्या है। कहा कि नहीं अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब आप मुझे अगर संभव है तो फिर से चूहा बना दीजिए। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों। तो उसने कहा कि गुरुवर हमारी पत्नी संतोषी आपकी छत्र छाया में सुखी से है और मुझे कुत्ता बनके शेर बनके पक्षी बनके भी सुख नहीं मिला, तो शायद अगर ये सुख मुझे खोजना है तो अपने अंदर से ही अपने संतोष से ही खोजना पड़ेगा। तो ऋषिवर ने उसकी बात मानी और उसे वापस चूहा बना दिया। इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि यदि व्यक्ति अगर संतोष रखते हुए अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य करे तो एक दिन उसे अवश्य सफलता मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।